गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज डी ऑफ चैप्टर 3, द लिटिल जिराफ. ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, पेज नंबर 30, एक्सरसाइज डी. सर्कल द ऑपोजिट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो बच्चों, आपको क्या करना है, ये वर्ड्स के आपको ऑपोजिट वर्ड इधर मार्क करने हैं, सर्कल करने हैं. आपके लिए पहला वाला कर दिया गया है. ऑपोजिट यानी कि विपरीत, सर्कल द ऑपोजिट्स. विपरीत यानी कि ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी कि विपरीत. एक आपके लिए कर दिया गया है. मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए. फर्स्ट वन टाइनी. टाइनी का ऑपोजिट क्या हुआ बच्चों, बिग, BIG. टाइनी यानी कि छोटा, बिग यानी कि बड़ा. सेकेंड वन सैड. सैड का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, सैड यानी कि दुखी. दुखी का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, आप बताओगे? यस, हैप्पी. दुखी का ऑपोजिट है हैप्पी. हैप्पी यानी कि खुश. दुख यानी कि सैड, सैड यानी कि दुखी. हैप्पी यानी कि खुश. तो सैड का ऑपोजिट क्या हुआ, हैप्पी. हैप्पी को आप क्या करोगे, अपने पेंसिल से आप इसे ऐसे सर्कल करोगे. हैप्पी को आप ऐसे सर्कल करोगे. यस. देन टॉल. टॉल यानी कि ऊंचा. टॉल का ऑपोजिट क्या हुआ, शॉर्ट. तो आप क्या करोगे, शॉर्ट को सर्कल करोगे. टॉल, शॉर्ट. अप का ऑपोजिट वर्ड डाउन. अप, डाउन. डाउन को आप सर्कल करना. अप, डाउन. लास्ट है फार. फार यानी कि दूर. इसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा होगा बच्चों, आप बताओगे? यस, नियर. फार, नियर. मैं और एक बार बता रही हूँ, मुझे ध्यान से सुनिए. टाइनी, बिग. सैड, हैप्पी. टॉल, शॉर्ट. अप, डाउन. फार, नियर. आप सब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना और आंसर्स को आपको क्या करना है, ऐसे सर्कल करना है यहाँ पर जैसे किया गया है. ऑल ऑफ यू कंप्लीट द एक्सरसाइज सी. एक्सरसाइज डी. सर्कल द ऑपोजिट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. पेज नंबर 30, एक्सरसाइज डी.